गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की सुबह की बहुत सुंदर सी शुरुआत आप सबके बीच में, और बहुत अच्छा लगता है आप सबसे मिलकर। एक नए ब्लॉग में फिर से आ गई हूँ। आई एम पूजा ब्लॉगर, और कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा। कई बार इस तरह की कमेंट मैं आपसे इसी वजह से करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सब ने मुझे इतने आगे बढ़ाया। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी, मुझे भी साथ साथ में। और ये थी मेरी एक गिफ्टिंग, मुझे मिली थी, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, इसका वाइब मुझे बहुत प्यारा लगता है। आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, दिखाऊंगी आपको रेगुलर क्या क्या हुआ, क्या बनाया मैंने खाने में। तो चलिए सावन के इस दिन का भी आपको वेल है। अमावस्या, अमावस्या हमारे यहाँ पर देवताओं का दिन होता है। इस तरह से पहले जो करेगा मैं हमेशा ही भिगो के रखती हूँ बत्तियाँ। इसमें क्या होता है, ज्यादा करना पड़ता है। आज की जो जोत लगेगी वो लगेगी हमारे किचन में। क्यों? क्योंकि आज देवताओं का पूजन भोग निकाल के तब ले जाएगा, फिर रखी जाएगी जोत। चलिए दिखाती हूँ आपको क्या क्या। खीर, ये भी मेरी खीर। बस अब इसमें दूध डलेगा, खीर तैयार है। और अब चढ़ाएंगे अपनी कढ़ाई, कढ़ाई पूरियों की तैयारी, और फिर दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर बाद। और ये अमावस्या पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये देवताओं की एक महीने में एक बार जरूर आते, एक पूर्णमासी 15 दिन के बाद, और 15 दिन के बाद मावस। देवताओं की रोटी में कम से कम इतना जरूर क्वांटिटी हो, आप देख सकते हैं कि मतलब एक जने की भूख पूरी हो जाए तो ऐसे। और ये जो हमारा ये है टुकड़ा, हम इसे सब पर रख लेंगे ऐसे, और इसे सबसे पहले इसमें डालेंगे और ऐसे करके साथ में। अब भोग देंगे हम अपने, जिससे हमारे खाने की शुरुआत होती है। इसे ले चलेंगे मंदिर में। चलिए चलते, चलो इसे ले चलते हैं मंदिर में। और सारे में मतलब धुनी हो चुकी है इसकी, और ये जो धूप है इसे लगाऊंगी मैं तुलसी में। और आज मम्मी पापा को भी खाना मतलब इसी से ऐसे पहले भोग लगा हूँ। पहला जो भी है साफ कर लें। और अब गाय को देखता हूँ।
चाय नाश्ता रेडी। मावस के दिन ये खाएंगे पूड़िया। चाय मैंने बना दी है, वैसे तो खीर भी बनी है, शिवम खीर खाएगा, बाकी नहीं। और चलती ही गैस पे बंद कर देते हैं, कभी भी खाली कढ़ाई नहीं उतारते हैं। ये मैंने आपको कई बार पहले भी बताया कि जब भी हम कढ़ाई बनाते हैं ना तो उसे खाली नहीं उतारते, उसे हमेशा लास्ट वाली पूरी देखो कितनी करारी। और आज का व्लॉग अभी देखने के लिए मिलेगा आपको तुरंत, और हम करेंगे आज चाय नाश्ते पूरी का लंच। चले शिवम अब डाले मैं आजा चाय, कप ले चल रही है या तो मैं कुछ तो आधा मैं लूंगी आधा तू। और जब भी देखें पूरियां काफी एकदम फूली फूली सी है, सुबह सुबह की मॉर्निंग के साथ चाय डाल ले। और ये मैं कप ले जा रही, बता क्या ले जाऊं, कप में ले चल रही है ना तो चाय डाल पूरी ले चल रही। खीर खाएगा ये, खीर इसे खीर पसंद है, ये खीर खाएगा। और ये मेरा स्टैंड, पूजा मेरी हो ही चुकी थी आपने देखी थी। और हाय गर्ल, आज है संडे और संडे के दिन मावस पड़ी है, और आप सबको पता है हमारे यहाँ पर देवताओं की पूजा करके आते हैं हम इस दिन, तो वो भी अच्छा हुआ। नीचे रख लो, चलो चाय नाश्ता करेंगे। आज इसने मेरे से सैम पिंच कर रखे है ना, लड्डू गुड मॉर्निंग। ये मुझे दे रहा, मैं तेज़ दे रही कुत्ता चाय। ओहो क्या गिरा, लोहे का भी देखो तो। सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग थी। और ये हमारा आम का चाय, पूरियां क्या लेके आया सर, ये जॉइन अस ब्रेकफास्ट आ रहे हैं क्या पापा? कि मैंने आपको बताया था आज सावन के दिन चल ही रहे हैं और संडे भी है, देवताओं का दिन है, अमावस्या है, तो सुनील जी ने करवाया भंडारा सावन के पर्व पे। और बस हम जा रहे हैं, कुछ सामान नीड था उन्हें उसी से रिलेटेड, और आगे भी दिखाएंगे आपको। मैंने भी पूरी खीर जो सब्जी वगैरह बनानी थी वो बनाई थी, लेकिन उन्होंने भी बनवाया तो वो भी इंजॉय करेंगे और आपको आगे दिखाते रहेंगे। मैं और शिवम जा रहे हैं, अभी शिवम को पानी भरवाना था, मिल्टन मीन्स ठंडा पानी, आजकल आपको पता है ना ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, रेगुलर हमारा तो फिल्टर वैसे लगा ही हुआ है, लेकिन जितने भी मिस्त्री लेबर क्लास हमारी लगी हुई है उन्हें पानी मतलब हम अपने भरवा के जब देते हैं, तो हम क्या करते हैं ठंडा पानी भरवा देते हैं, किसी को पिलाओ तो कम से कम ठंडा ठंडा। तो चलिए चलते हैं और दिखाऊंगी आपको वेदर। थोड़ी देर में मार्केट का थोड़ा सा कुछ सामान लाना था मुझे, फिर मैंने सोचा क्यों ना शिवम के साथ ही बैठे, तो हम दोनों आ गए। मौसम अच्छा तो साहिल अंकल फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? जहाँ से वो आवे है ना, गाँव गया ना वो, उस लिए पेटीएम करेगा या क्या करेगा। आधे से ज्यादा वेस्ट कर देगा। कुछ एक नंबर का पागल ही है ना, कुछ होती है नहीं।
पर यूथ थोड़ी है। हाँ सुबह सुबह अपने बच्चों की चीज़ कौन दे देगा, सबसे बड़ी बात कर दे कि मत नहीं भूलूंगा। अरे बस निकली मैं सुबह सुबह की मॉर्निंग राइड लेकर, जरूर लेनी चाहिए छोटी छोटी सी राइड। ये रे चल रहा है हमारे यहाँ सुबह सुबह बिग बॉस, और बस अब का ब्लॉग अभी आएगा। चल खड़ी कर दो, मना कर रहे पापा थोड़ी देर बाद जाना है ना। पापा मना कर रहे हैं, पापा बोल रहे हैं ना कि साइन अंकल आने वाले हैं, फिर उसके बाद जाइए। चलिए अब करिए आप इंजॉय ब्लॉग, और कैसा लगे मुझे जरूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। देखिए सावन का महीना चल रहा है, आप सबको पता ही है महादेव का दिन है, और आज सुनील जी ने कराया है भंडारा, और भंडारे के नाम पर मतलब जितने भी मतलब लोग हैं उन्हीं सब के लिए, और शिवम लेके आया अभी भंडारे का प्रसाद वहाँ से। तो ये है हमारे भंडारे की सब्जी, और ये हैं पूरियाँ जो अब हम खाएंगे। तो चलिए अब हो गई है शाम, इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पर एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए रेडी रहें। इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखें, आपके सपोर्ट की वजह से हर चीज़ पॉसिबल।